हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना से जुड़ी नई अपडेट और नई जानकारियां, और आपको साथ में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना 2022 के अंतर्गत किन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और कब तक किसान कर्ज माफी योजना को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है। आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी मिलती रहे और आप सभी योजनाओं का लाभ ले सके। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था, तब से उत्तर प्रदेश के किसान द्वारा कर्ज माफी को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि राज्य के जितने भी किसान है वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले राज्य के सभी किसानों का 1 से 2 लाख रुपए तक का केसीसी लोन माफ किया जाए। क्योंकि दोस्तों, विधानसभा के चुनाव में ही उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के किसान हो, उनके पास एक मौका रहता है कि किसान कर्ज माफी योजना को शुरू कराया जाए। लेकिन अब की बार ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले किसान कर्ज माफी योजना को नहीं शुरू किया गया और दोस्तों, ना ही उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना को लेकर किसी पार्टी द्वारा मुद्दा उठाया गया, जिसकी वजह से अब की बार उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना को शुरू नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी किसानों का कर्ज माफ हुआ था और अब की बार भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो किसान कर्ज माफी योजना को लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई नई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है और न ही किसान कर्ज माफी योजना को लेकर कोई घोषणा की गई है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक नई अपडेट आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो किसान कर्ज माफी योजना को लागू किया जा सकता है और इस योजना के अंतर्गत राज्य के जितने भी किसान है जिन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा है और उन्होंने डिफॉल्टर या एनपीए श्रेणी में आते हो या नहीं आते हो, सभी किसानों का इस योजना के अंतर्गत 2-2 लाख रुपए तक का फसली ऋण माफ किया जाएगा और इस योजना को विधानसभा के चुनाव के बाद तुरंत लागू किया जाएगा और राज्य के जिन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा उनकी लाभार्थी सूची को भी जल्द जारी किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना को लेकर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ भी था। पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में किसान कर्ज माफी योजना को लागू किया था और राज्य 86 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला था और उनके बैंक खाते में 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ था। और अब की बार भी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो किसान कर्ज माफी योजना लागू फिर से हो सकती है और राज्य के किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना 2022 को लेकर कोई नई अपडेट या कोई नई प्रतिक्रिया दी जाती है, तो हम आपको सबसे पहले एक नया वीडियो बना के इसी चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे, जिसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय किसान।